डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के। ओहो मितुर पहलाक, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में और पहाड़ों की इन खूबसूरत सी वादियों में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे बिजोरे बिजोरे मेरे पहाड़ को। मैं गया था कल बगल के गांव में और जो थकान लगी है ना भाई साहब, पता नहीं सकता। पैरों में अभी भी दर्द हो रहा है, पैरों के पीछे की साइड को, और चला भी जा रहा, इतना दर्द हो रहा है, बहुत थकान लग गई। और वहाँ पर जब वो लोग बांस तोड़ रहे थे तो बांस से वो निकलता है ना पाउडर जैसा निकलता है, उससे भी सर्दी लगती है, तो वो भी अजीब सा हो गया गले में। अरे बिजोरे बिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने नए गेटअप के साथ। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये गेटअप अच्छा लगेगा। गेटअप क्या है, ये है हमारे पहाड़ों की रीति। पहले से लोग बहुत पहनते थे इसको, अभी तो कम कर दिया है। अभी जो बुज़ुर्ग बूबू लोग हैं वही पहनते हैं, पहले से मतलब जो जवान लोग होते थे जिनकी शादियाँ हो जाती थी वो लोग बहुत सारे ज़्यादातर लोग यही पहनते थे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हम बदलास जो जब सगी ने सगी सगीनी फूलू साग लो बल बढ़िया और रहत लो मैं हालांकि खेते नहीं रहे लेकिन आज हम बनो सगीनी फूलू रहत। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फूल तोड़ने के लिए। ये अन्नू और ये निशा दोनों मेरे साथ चल रहे हैं, ये हमको छोड़ेगा। अच्छा चलो फिर वहीं जाके देखते हैं। चलो भाई, ये इसने थैली पकड़ रखी है और इनसे कब से बोल रहा हूँ चलो चलो करके। अभी अब जाके ये लोग तैयार हुए हैं चलने के लिए। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। ये है वो फूल, यूँ सगीनी फूल, हो सकता है आपके वहाँ कुछ और बोलते हैं उसको। इसकी जो घास होती है इसकी, उसको बकरियाँ बहुत ज़्यादा खाती हैं, तो आप लोग समझ जाना इसको आपके वहाँ क्या बोलते हैं। कैमरा बंद। आप देख सकते हैं ये रास्ता भंगे गए हैं थोड़ा सा, इनको जाना था यहाँ से नीचे से और ये आ गए हैं ऊपर और नाम डाला जा रहा है मेरा। ये है हमारे बासिंग के फूल और ये है हमारे पहाड़ी बंदर एंड जिनका चैनल है। बहुत मीठा हो रहा है और इसके फूलों का रस बहुत ही टेस्टी होता है। जो मधुमक्खी शहद निकालती है ना इन्हीं फूलों से निकालती है, आप देख सकते हो। तो हम भी निकाल सकते हैं इसका मतलब? ये सबके बस की बात नहीं है, किसी को चाहिए हो तो बता देना, ऑर्डर कर देना। एक आध किलो, एक किलो बस, एक किलो निकाल दूंगा। आप इसे मधुमक्खी नहीं मधुमक्खा बोल सकते हो। लखा पुष्पराज अब उन छोड़ेगा नहीं साल। ये हमारे बासिंग के फूल है जिसका केवल रस खाया जाता है, इसको ना फूले के दिन बच्चे बहुत प्यार से तोड़ते हैं। और ये हमारे भैया जी, जैसे हम खा रहे थे आज इन्होंने खाना ना कुछ खाना है नहीं, पर ज़्यादा मीठा हो रहा है रे, जैसे शहद होता है ना सेम वैसे हो रहा है, बिल्कुल बहुत मीठा और मेरे को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। अब ये यहाँ से जाएंगे ऊपर, अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। पूरे सगनी डॉ छोटे छोटे डॉ और इसमें से फूल तोड़ रहे हैं, तोड़ने हैं और नीचे वो भी है क्या बोलते हैं इसको, शिशोण बिच्छू भी कहते हैं इसको। आराम से जाना, कहीं नीचे मत आ जाना। आई तेरे कटरे कुमर छी 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 तवा 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 भाई साहब। और इनका फिसल चुका है पैर, अब हमें देखना यह है कि वहां तक ये पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अभी
थोड़ी दूर है, पहुंचने वाले हैं। ये है हमारे पहाड़ी बंदर, ये कहीं भी पहुंच जाते हैं। आप देख सकते कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी अन्नू तोड़ रही है फूलों को, फूल यहाँ पे तोड़ने वाला बेकार रहा है, तो हम इसकी टहनियाँ तोड़ के ले जाते हैं, जो छोटी छोटी, पेड़ नहीं तोड़ेंगे क्योंकि पेड़ का नुकसान करना गलत बात है, और हम खाली टहनियाँ तोड़ के ले जाएंगे, फिर नीचे वहाँ पर जहाँ पर साफ रास्ता हो रहा है वहाँ तोड़ेंगे। यहाँ पर झाड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं फूल के अंदर कैसे लग रही हूँ, इनको तोड़ के नीचे चलते हैं, फिर वहीं पर दिखाएंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, वीडियो बन नहीं रही अच्छे से। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। अभी हम लोगों ने फूल तोड़ दिए थे, हम लोग नीचे रास्ते में आ गए हैं। ये बोल रहे हो जाएंगे, मुझे लग रहा है कम हो सकते हैं, चलो इनको लेके चलते हैं। अभी देखते हैं होते हैं कि नहीं होते, अगर नहीं होंगे तो फिर दोबारा आएगी, मैं नहीं आऊंगा अगली बार फिर मेरे उत्तराखंड में। तो ये है नई नई सब्जी, और अभी बूबू भी हेल्प कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और बाकी अभी औरतें भी आई थी सब देखने के लिए कौन सी सब्जी बना रहा है करके। ये इतने फूल निकाल दिए हैं, और अभी ये बूबू निकाल रहे हैं, और जा रहा हूँ अब चाय बनाने के लिए, थोड़े से बच्चे हैं इनको बूबू निकाल देंगे, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। बना के दे दिया इनके लिए, और वहाँ पर बूबू भी हैं, वो हैं बूबू, तो अभी मैं जाता हूँ फूल उठाने के। तो ये फूल निकाल दिए हैं, और ये है इसकी घास, तो ये घास को मैं लेके चलता हूँ अभी फेंकने के लिए। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। तो अभी इनको चलते हैं धोने के लिए। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। तो अभी इसको बॉईल करते हैं, इसको धो के लाया था मैं। पानी ठंडो पानी ठंडो पानी, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में मेरे ये है वो फूल जो तोड़ के लाए थे, बॉईल किए, तो ये इनका कलर थोड़ा चेंज हो गया, सफ़ेद हो गए थे। और यह है दही, दही हमने अभी थोड़ा कपड़े में छान के थोड़ा इसका पानी निकाल दिया है, थोड़ा ही सही हो गया वरना पानी ज़्यादा हो जाता है। और यह सिलबट्टे में नमक पीसा था, तो अभी ये नमक डालेंगे इसमें, इसमें थोड़ा धनिया कम हो गया, हरा धनिया कम हो गया थोड़ा, तो इसको हाथ से मिक्स करते हैं अभी। सच बताऊँ तो मुझे लग नहीं रहा था, वैसे मैंने टेस्ट कर लिया है, मुझे लग नहीं रहा था इतना टेस्टी होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा, मतलब मैंने तो पहली बार खाया है, आप लोग भी टेस्ट कर लो, अच्छा टेस्ट आ रहा है मुझे। पहले मैंने एक खाली ऐसे ही खाया था ना, बिना ऐसे मिक्स किए, खाली वो फूल फूल खाया था, और जब बॉईल करने के बाद तो अजीब सा लग रहा था, ऐसे अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। शाम का खाना हो चुका है तैयार, और यह है दही, यह है रायता, और यह है आलू मटर की सब्जी, अभी रख दिया है खाने के लिए, ये सब्जी हो गई, और रायता रखा है पत्ते में, क्योंकि जो मज़ा पत्ते में है वो मज़ा कटोरी में नहीं है। तो खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़नी वादियां। तो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, और खाना खा के मैं आया हूँ अभी वीडियो बनाने के लिए बाहर। अंदर थोड़ा लाइट कम दिखती है, तो यहाँ पर बल्ब यहीं पे है, तो सामने अच्छा दिख रहा है, साफ दिख रहा होगा मतलब आप लोगों को। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, रात भी हो चुकी है,
अब सोने की तैयारी हो रही है। और आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करना दबा के, और आप लोगों को जो उत्तराखंड का कल्चर है, ये जो नया गेटअप था, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड।